हेलो स्टूडेंट्स, देर इज अ स्टूडेंट कौस्तु जिन्होंने रिसेंटली बोर्ड्स का एग्जाम दिया हुआ है। वो यहाँ रहते हैं एंड ये मालूम पड़ता है कि उनके जो ग्रैंडफादर है उनमें COVID-19 के सिम्टम्स है। सो सर्च करके ये मालूम पड़ता है टू गेट श्योरिटी वेदर आपको COVID-19 है या फिर कोई और फ्लू है। घर वालों को ये मालूम पड़ता है दैट देर इज अ टेस्ट कॉल्ड एज स्वैब टेस्ट। अब ये जो स्वैब टेस्ट होने वाला है स्टूडेंट, ये एक नियर बाय हॉस्पिटल में होने वाला है। अब घर वालों को ये पता है दैट द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड हॉस्पिटल इज 20 किलोमीटर। बट इन केस वॉट इफ दे डोंट नो द डिरेक्शन इन विच दे हैव टू ट्रेवल। मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ, उन्हें ये तो पता है कि घर से हॉस्पिटल का जो डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर, बट दे डोंट नो इन विच डिरेक्शन दे हैव टू ट्रेवल। स्टूडेंट्स इन दिस केस द नॉलेज इज नॉट कंप्लीट, इट इज अ पार्शियल नॉलेज। इन दिस केस स्टूडेंट्स जितना जरूरी ये 20 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स, उतना ही जरूरी डायरेक्शन भी है। अदरवाइज स्टूडेंट्स ऑन टाइम वो लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएंगे, राइट? सो फॉर दिस केस मैं ये कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स फॉर 100% एक्यूरेसी। ऑन द अदर हैंड लेट्स से देयर इज अ पर्सन whose mass is 70 kilogram. Students, to judge anything about mass, only this 70 kilogram is sufficient. यहाँ पे mass के लिए सिर्फ हमें magnitude की जरूरत पड़ने वाली है, direction is not required. That is the reason, students, हम हमारे physics में physical quantities को दो section में classify करेंगे। वैसे क्वांटिटीज जिनको हम पूरा डिस्क्राइब कर सके ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड विल बी कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी स्टूडेंट्स। ऑन द अदर हैंड जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ने वाली है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। अगर हम प्रीवियस लेक्चर समझ चुके हैं स्टूडेंट्स तो हमें पता है दैट Distance is a scalar quantity, whereas displacement is a vector quantity. First type of physical quantities, scalar student. Physical quantities which can be completely described by their magnitude alone are called as scalars. Second type of physical quantity students, it will be vectors. Physical quantities which need magnitude as well as direction for their complete description are called as vectors. Now students, we will see many examples of scalars and vectors. In this table students, what I have done, मैंने left column में फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारे लिखे हुए हैं एंड राइट में वी हैव टू आंसर वेदर इट इज स्केलर और वेक्टर। स्टूडेंट्स हमारे लास्ट लेक्चर का फेवरेट एग्जांपल डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स मैग्नीट्यूड फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि उसे डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ने वाली है स्टूडेंट्स। अब उसके और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं बच्चों स्केलर्स एंड वेक्टर्स के, वो हमें देखने हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और कौन से नए एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स? वी हैव स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मास, टाइम, फोर्स, टेम्परेचर, डेंसिटी, मोमेंटम, impulse, work and power. Students, I will request all of you
टू पॉज दिस वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड जब मैं आपको कहूँ तब. ओके, एंड यू राइट डाउन द आंसर्स वेदर जो क्वांटिटी आप सामने देख रहे हो इज इट स्केलर और इट इज वेक्टर. ओके स्टूडेंट्स, अभी आप वीडियो को कुछ सेकेंड्स के लिए पॉज कर ले और फिर आप आंसर लिखने को ट्राई करें एंड देन यू कैन चेक योर आंसर वेदर यू आर करेक्ट और नॉट. स्टूडेंट्स, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी विच इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, मास इज स्केलर क्वांटिटी, टाइम स्केलर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, इंपल्स वेक्टर क्वांटिटी, वर्क स्केलर क्वांटिटी, पावर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. सो आफ्टर यू फिल अप दिस टेबल योर टेबल विल अपियर लाइक दिस. स्टूडेंट्स प्लीज आप देख लीजिए वेदर यू आर 100% करेक्ट विथ योर नॉलेज और नॉट रिगार्डिंग स्केलर्स एंड वेक्टर्स.